हेलो एंड व्हाट्स अप एवरीवन, आई होप यू आर डूइंग ग्रेट। आप सभी का स्वागत है एक और नए वीडियो में। तो यार सीधा टॉपिक पे आते हैं, मुद्दे पे आते हैं। इज इट पॉसिबल टू कन्वर्ट योर विजिटर वीज़ा और टूरिस्ट वीज़ा इनटू वर्क परमिट? सिंपल सी लैंग्वेज में कहूँ, बिल्कुल पॉसिबल है। कैसे होगा वो आपको मैं आगे बताऊँगा। वीडियो को टिल द एंड तक ज़रूर देखना। दूसरी चीज़, आपके माइंड में होते तो अप्रूव कैसे होगा, हमें LMI अप्रूव्ड जॉब कैसे मिलेगी, क्या हम ऑनलाइन अप्लाई करें तो हमें मिल जाएगी? लाइक jobsbank.gcca पे या रिक्रूटमेंट एजेंसी के पास जाए, कंसल्टेंसी के पास जाए तो हमें LMI अप्रूव्ड जॉब मिलेगी? सिंपल सी लैंग्वेज में कहूँगा, नहीं मिलती। ऐसे आपको LMI अप्रूव्ड जॉब नहीं मिलती। तो आपको LMI अप्रूव्ड जॉब कैसे मिलेगी? LMI अप्रूव्ड जॉब आपको मिलेगी पैसे देके। कोई भी जॉब आपको LMI वाली फ्री में नहीं मिलेगी। 99.9% चांसेस यही है कि आपको फ्री में जॉब नहीं मिलती है, आपको पैसे देने ही पड़ेंगे। चाहे आप 15 लाख दो, 20 लाख दो, 25 दो या 40 लाख रुपये दो, इंडियन रुपीस की बात कर रहा हूँ, आपको पैसे देने ही पड़ेंगे। मैं आपको इसका पूरा स्ट्रक्चर स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगा हर एक चीज़ के रिगार्डिंग। कितना अमाउंट लगता है, आपको कैसे अप्लाई करना चाहिए, आपको कहाँ अप्लाई करना चाहिए, आपको क्या क्या चीज़ें देखनी होती है। मैं ये वीडियो आप पूरी देख लोगे, आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे हर एक चीज़ से रिलेटेड। तो वीडियो को अगर आप अपने चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हो और वीडियो आपको पसंद आती है तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करना अगर आपका दिल करता है। और अगर आपको लगे कि आप चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं देन यू कैन सब्सक्राइब इट टू। सो सीधा बात करते हैं टॉपिक पे और आपको मैं स्टेप बाय स्टेप समझाता हूँ कि आपको LMI अप्रूव जॉब मिलती कैसे और आपको कहाँ पे करनी चाहिए। यार ये तो पहले अपने माइंड में डाल लो कि आपको LMI अप्रूव जॉब पैसे देके ही मिलती है, फ्री में नहीं मिलती है, पैसे देने ही पड़ेंगे, आपको जॉब खरीदनी ही पड़ेगी। अब आपको मैं तीन तरीके बताता हूँ कि आपको LMI अप्रूव जॉब मिलती कैसे है। पहला है, या तो आप इमिग्रेशन कंसल्टेंट के पास जाओ, उनसे बात करो। वो उनका टाइप होता है डिफरेंट डिफरेंट कंपनीज में डिफरेंट डिफरेंट लोकल बिजनेस ओनर से जिनका LMI अप्रूव्ड बिजनेस होता है और वो आपको LMI अप्रूव्ड जॉब दे सकते हैं। आपको पैसे वहाँ भी देने पड़ेंगे, ठीक है। दूसरी चीज़, या तो अगर आप कनाडा में फिजिकली प्रेजेंट है, चाहे विजिटर वीज़ा पे गए हो, टूरिस्ट वीज़ा पे गए हो, आप वॉकिंग करो, डिफरेंट डिफरेंट बिजनेस ओनर से बात करो। मेनली आपको LMI अप्रूव्ड बिजनेस और LMI अप्रूव्ड जॉब्स वही प्रोवाइड करते हैं जो साउथ एशिया से बिलोंग करते हैं, चाइना से बिलोंग करते हैं और जो मिडिल ईस्ट से बिलोंग करते हैं, क्योंकि इन्हें मालूम होता है और ये भी कमाई का धंधा है। सिंपल सी लैंग्वेज को ये करने का पैसे कमाने का तरीका है और लोग LMI अप्रूव जॉब बेचते हैं। अगर आप वॉकिंग करना चाहो, आप वॉकिंग भी कर सकते हो। आप इस तरह भी ट्राई करोगे, आपको इस तरह के कई सारे बिजनेस ओनर आपको मिल जाएंगे जो इस तरह के LMI अप्रूव जॉब देते हैं। तीसरी चीज़, अगर आपके कोई नून में कॉन्टैक्ट में है जिनका LMI अप्रूव बिजनेस है और वो आपको LMI अप्रूव जॉब दे सकते हैं तो आप उनके थ्रू भी अप्लाई कर सकते हो। ये तीन तरीके हैं टू गेट अ LMI अप्रूव जॉब। ऑनलाइन jobsbank.gcca में या किसी भी कंसल्टेंसी से, ऑनलाइन से, इंडीड से, लिंक्डइन से आपको LMI अप्रूव जॉब नहीं मिलती है। 99.9% नहीं मिलती है। बहुत रेयर चांस है कि आपके बहुत एक्सेप्शनल स्किल्स हो या आप बहुत ही लकी हो, तभी आपको शायद ही मिल जाएगी 0.1%, वरना आपको जॉब खरीदनी ही पड़ेगी। चाहे आप ग्रेजुएशन करके आ रहे हो, चाहे मास्टर्स करके आ रहे हो, चाहे आपके पास 5 साल का 10 साल का 3 साल का एक्सपीरियंस हो, चाहे आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर हो, आप किसी भी फील्ड से बिलोंग करते हो, IT, मैकेनिकल, डॉक्टर, नर्स, मेडिकल या एडमिनिस्ट्रेशन, डजंट मैटर, आप कितने भी 30 मार्क खान हो, आपको जॉब खरीदनी पड़ेगी ही पड़ेगी। अब यार अब आपके माइंड में होता है कि चलो ठीक है, हमने LMI अप्रूव्ड जॉब हम खरीदना चाहते हैं, हम खरीद लेंगे, लेकिन हम किस प्रोविंस में जाए जहाँ पे हमें जल्दी और इजी PR मिले। 3-4 प्रोविंस है, सस्कैचवन, मैनिटोबा, नोवा स्कोशिया, न्यू ब्रंसविक और अल्बर्टा। यहाँ पे आपको आराम से LMI अप्रूव जॉब मिलती है क्योंकि यहाँ की पॉपुलेशन बहुत कम है और यहाँ की प्रोविंस की गवर्नमेंट चाहती है कि यहाँ की इकॉनमी बढ़े, तो यहाँ पे वो चाहते हैं कि बाहर से लोग आए और यहाँ पे वर्क करें, तो इसलिए वो यहाँ पे LMI अप्रूव जॉब आपको आराम से मिल भी जाती है। अब LMI अप्रूव जॉब दो तरह की होती है, एक होती है रूरल, मतलब गाँव में या किसी टाउन में वर्क करना, और एक होती है कि सिटी में वर्क करना। अगर आप रूरल में वर्क करते हो तो आप 6 मंथ्स के बाद आप एलिजिबल हो जाते हो फॉर द PR के लिए, लेकिन ये क्लोज वर्क परमिट होता है फॉर द 2 ईयर्स के लिए। आपको PR कार्ड तभी मिलेगा जब आपका 2 साल पूरा कंप्लीट हो जाएगा और विद इन 3 to 4 मंथ्स के अंदर आपको PR मिल जाता है। अगर आप सिटी में वर्क करते हो तो आप 1 साल के बाद एलिजिबल हो जाते हो और आफ्टर 2 ईयर्स के बाद आपको PR मिल जाता है, क्योंकि यहाँ भी क्लोज वर्क परमिट होता है 2 ईयर्स के लिए। लेकिन कुछ एक्सेप्शनल प्रोग्राम्स होते हैं, अगर आप किसी रूरल एरिया में वर्क करते हो जो बहुत ही दूर दराज एरिया है, अगर आप सिंपल लैंग्वेज में कहूँ, तो वहाँ पे ऐसा भी होता है कि आप डायरेक्ट PR भी ले सकते हो वहाँ पे, लेकिन आपको सिर्फ 45 डेज आपको वहाँ पे स्टे करना होगा। ये अल्बर्टा में, सस्कैचवन में और मैनिटोबा में होता है। वहाँ पे ठंड बहुत ज़्यादा होती है, विंटर बहुत हार्श होती है,
विंड्स बहुत स्ट्रांग होती है, आपको वहाँ पे सिर्फ 45 डेज स्टे करना होता है, चाहे आप काम करो या ना करो आपको उस टाउन में 45 डेज रहना होगा और आपको डायरेक्ट पीआर भी मिल जाती है। या आपको अल्बर्टा में, सस्कैचवन में और मैनिटोबा में ये इस तरह के प्रोग्राम्स होते हैं। तो यार अब होता है कि माइंड में होता है चलो ठीक है हमने जॉब खरीद भी ली, हम सस्कैचवन में, मैनिटोबा में, अल्बर्टा में चले भी गए, इसके बाद क्या? क्योंकि बहुत सारे फ्रॉड स्कैम होते हैं, चाहे आप किसी भी कंट्री से बिलोंग करते हो, इंडिया से, पाकिस्तान से, नेपाल से, या अगर आप कनाडा में भी हो तो वहाँ भी बहुत सारे फ्रॉड होते हैं और आपको नकली फेक LMI अप्रूव्ड जॉब बोल के बेच देते हैं, आपसे पैसे ऐंठ लेते हैं। अब आपको चेक करना है कि ये जो कंसल्टेंसी है या जो इमिग्रेशन कंसल्टेंट है ये ऑथराइज है या नहीं है, आपको ये चेक करना है कि वो कैनेडियन गवर्नमेंट से ऑथराइज है या नहीं है, उससे उसका CICC नंबर मांगना है। CICC रजिस्टर्ड नंबर होता है जो कैनेडियन गवर्नमेंट उन्हें प्रोवाइड करती है, और चेक करना है कि ये बंदा कैनेडियन गवर्नमेंट की वेबसाइट पर आकर चेक करना है कि इसका जो CICC नंबर जो इसने मुझे दिया है इसी नाम से, इसी फर्म के जो नाम है, इससे रजिस्टर्ड है या नहीं है। जो इसका इमिग्रेशन कंसल्टेंट होगा उसका नाम भी मेंशन होगा, उसका CICC नंबर भी मेंशन होगा, उसकी फर्म का नाम भी मेंशन होगा। तो ये आपको चेक करने का एक तरीका है टू नो कि ये पर्सन जो है ये कंसल्टेंसी है, ये ऑथराइज्ड है या नहीं है, क्योंकि इस तरह के फ्रॉड, फेक, स्कैम बहुत होती है कनाडा में, इंडिया में भी बहुत होती है और पाकिस्तान में भी बहुत होती है। आई गॉट सो मैनी मैसेजेस कि मेरे इतने पैसे फूक गए हैं, इतने पैसे निकल गए हैं, मैंने इतना पैसा पे किया कंसल्टेंसी को, मुझे अभी तक कोई रिप्लाई नहीं मिला और उसने मेरा कॉल पिक करना बंद कर दिया। आई गॉट दिस काइंड ऑफ मैसेजेस इन इंस्टाग्राम अलॉट। मेरे को बहुत लोग कहते हैं कि हमें LMI अप्रूव्ड जॉब दे दो, मैं ब्रदर हेल्प करवा दो। यार मैं आपको एक ही चीज़ कहूँगा, मैं बहुत सारे इमिग्रेशन कंसल्टेंट को जानता हूँ लेकिन मैं उस पर विश्वास नहीं करता, तो इसलिए मैं आपको किसी का भी नंबर शेयर नहीं कर सकता। मैं आपको सिर्फ एक इन्फॉर्मेशन शेयर कर सकता हूँ कि आपको यहाँ पे जॉब मिलती कैसे है, जो इसका सिनेरियो है, जो रियलिटी है। मैं किसी कंसल्टेंसी से मेरा कोई लेना देना नहीं है और ना किसी इमिग्रेशन कंसल्टेंट से मेरा कोई लेना देना है कि मैं आपको उनका नंबर प्रोवाइड करूँगा, आपको वो अपने बिहाफ पे करना पड़ेगा। आपको मैंने बता दिया है दैट यू हैव टू चेक CICC नंबर और वो कैनेडियन गवर्नमेंट से ऑथराइज्ड है या नहीं है। अगर ऑथराइज्ड होगा तभी आगे बढ़ना, नहीं होगा वहीं पे रुक देना। अब ये बहुत लोग कहते हैं कि हम विजिटर वीज़ा पे आ जाए, टूरिस्ट वीज़ा पे आ जाए, स्पेशली टूरिस्ट वीज़ा पे आ जाए और वहाँ पे आके जॉब फाइंड करें, क्या ऐसा सही रहेगा? मेरे हिसाब से बिल्कुल गलत फैसला है, ऐसा मत करो, क्योंकि आपका पैसा ही वेस्ट होगा। इट्स बेटर कि आप किसी इमिग्रेशन कंसल्टेंट के पास जाओ या किसी ऐसे ओनर से बात करो जिसका ऑलरेडी LMI अप्रूव्ड बिजनेस है, जो कनाडा में ऑलरेडी सेटअप है, और उनसे बात करो कि मुझे LMI अप्रूव्ड जॉब चाहिए, तो ही आना, वरना कोई फ़ायदा नहीं है। टूरिस्ट वीज़ा पे आओगे, पैसे खर्च करोगे, अगर आप इंडियन रुपीस में कमाते हो और कैनेडियन डॉलर में खर्च करोगे तो बहुत एक्सपेंसिव है। आपका एक महीने के अंदर 3.5-4 लाख रुपये आराम से फूक जाएगा। तो इट्स बेटर कि स्मार्टली डिसीज़न लो, इमिग्रेशन कंसल्टेंट से बात करो, अपने तरफ से रिसर्च करो और उसके बाद ही आओ, और ऐसे प्रोविंस को चूज़ करो जहाँ पे आपको इजी जल्दी PR मिलता हो। सस्कैचवन, मैनिटोबा, अल्बर्टा, न्यू ब्रंसविक, नोवा स्कोशिया। अगर कोई ओंटारियो में भेजे, फिर ब्रिटिश कोलंबिया में भेजे, तो इट्स जस्ट अ वेस्ट ऑफ टाइम, डोंट गो देयर, कोई फ़ायदा नहीं है। 4-5 साल लग जाएगा, आप PR के चक्कर में बैठे रह जाओगे। इट्स बेटर कि आप ऐसी जगह पे जाओ जहाँ पे आपको 6 महीने के बाद, 1 साल के बाद, या मैक्सिमम से मैक्सिमम 2 साल के बाद आपको आराम से PR मिल जाए। अब यार काफ़ी लोग कहते हैं कि हमारे पास ग्रेजुएशन की डिग्री है या मास्टर की डिग्री है और हमारे पास 3 साल का, 2 साल का, 4 साल का, 6 साल का एक्सपीरियंस है, तो हमें स्टडी परमिट पे आना चाहिए या LMI अप्रूव्ड जॉब पे आना चाहिए? तो वह चॉइस आपकी है। मेरे हिसाब से पैसा दोनों में लगभग सेम ही लगता है, तो इट्स बेटर कि आप LMI अप्रूव्ड जॉब पे आओ एज़ कम्पेयर टू स्टडी परमिट पे। क्योंकि स्टडी परमिट पे आओगे, 2 साल पढ़ाई करोगे, 3 साल का वर्क परमिट मिलेगा, फिर 2-2.5 साल और लगेंगे, फिर उसके बाद जाके PR मिलेगा या नहीं मिलेगा, वो भी टोटली डिपेंड करता है कि आप किस प्रोविंस में जाते हो। ऑन्टारियो, ब्रिटिश कोलंबिया में जाओगे 5-6 साल लगेगा, अल्बर्टा, सस्कैचवन में जाओगे तो आपको 3 साल के अंदर, 2.5 साल में आपको मिल जाएगा। लेकिन अगर आप सीधा LMI अप्रूव्ड जॉब पे आते हो तो आप 2 साल के बाद आपको विदिन 3-4 मंथ्स के अंदर आपको PR मिल जाएगा। अगर आप ऐसा प्रोग्राम लेते हो जिसमें आपको 6 महीने के बाद भी मिल जाता है PR, क्योंकि ऐसे प्रोग्राम्स भी होते हैं कि आपको सिर्फ 6 महीने फुल टाइम वर्क करना है एज एन LMI अप्रूव्ड जॉब में, या 1 ईयर वर्क करना है और उसके बाद आप PR फाइल कर सकते हो, ये सारे प्रोग्राम्स आपको अल्बर्टा में, सस्कैचवन में और मैनिटोबा में और न्यू ब्रंसविक में मिलते हैं। मैं इसकी डिटेल में कोई वीडियो, मतलब क्या किस तरह के प्रोग्राम्स होते हैं और उन प्रोग्राम्स में क्या क्या होता है, वो मैं आपको फिर कभी बताऊंगा। लेकिन ये आपको मैं डीप, मतलब एक ऊपर की नॉलेज दे रहा हूँ, डीप में मैं हर प्रोग्राम के बारे में मैं किसी और दिन बात करूँगा। तो वीडियो को मैं यहीं पे एंड करता हूँ, और वीडियो पसंद आती है लाइक एंड शेयर कर देना अगर मन करता है तो, और चैनल को सपोर्ट करोगे तो
मुझे थोड़ी सी मोटिवेशन मिलेगी। तो तब तक के लिए गुड बाय, हैव अ ग्रेट डे एंड एंजॉय योर लाइफ।